हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिवा और आप देख रहे हैं वीवी वॉचिंग। और इस वक्त मैं आ गया हूं गिटोरनी डेली, एक ऐसी कंपनी के शोरूम विजिट पर जिसका नाम है एलजीएस सॉल्यूशंस, जो बनाती है प्री फैब्रिकेटेड हाउस, पफ पैनल हाउस। अगर आप बनवाना चाहते हैं प्री फैब्रिकेटेड हाउस या बिजनेस करना चाहते हैं पफ पैनल हाउसेस का, तो आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे साथ है कंपनी के को फाउंडर मिस्टर दिवांश कुल्लर। हेलो सर, छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को अपनी कंपनी का। हाय सर, तो हमारी जो कंपनी है, जो हमारी प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाती है, हमारी टेक्नोलॉजी है लाइट गेज स्टील, जो बेसिकली इट्स गैल्वेनाइज्ड स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है। और हमारा जो पीवी का काम होता है वो नॉर्मल पीवी से बहुत अलग है, बिकॉज हमारा सब कुछ एक सीएनसी मशीन से बनता है। ये हमारा छोटा सा एक शोरूम है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, नियर सुल्तानपुर। यहाँ पे हमने पूरा इंटीरियर्स और एक्सटीरियर के ऑप्शंस दिखाए हुए हैं सबको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो वॉल्स वगैरह हैं, जो हमारी पीवी की वॉल्स होती है, एलजीएस की हमारी जो वॉल्स होती है, इसके अंदर ये कैसे दिखती हैं, सारी की सारी नट एंड स्क्रू से बनती है। इसमें कहीं वेल्डिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं। इसकी 50-70 इयर्स गैल्वेनाइज्ड की वारंटी होती है। इसके अंदर जो जाती है हमारी इंसुलेशंस हैं, रॉकवेल इंसुलेशन है, हमारी फोम इंसुलेशंस है वगैरह, डिपेंडिंग ऑन हमारे क्लाइंट का क्या बजट होता है, प्लस एट द सेम टाइम कि क्लाइंट की लोकेशन कहाँ पे है। आप जैसे देख सकते हैं हमारी सारी कॉन्ड्यूटिंग, सारी वायरिंग, सब कुछ कॉन्ड्यूट्स हमारे इसी के अंदर कट के निकलते हैं। आप देख सकते हैं विंडो की फिटिंग भी हमने एलुमिनियम की कर रखी है, वो सारी यहाँ पे दिखती है आपको। तो ये हमने, आप फ्लोर पे भी देख सकते हैं, हमने ये मार्बल लगाया हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि स्लैब के ऊपर लगता है और उसको बनाकर हमें पूरा पॉलिशिंग वगैरह करनी होती है और इतनी वाइब्रेशंस होती हैं। और यहाँ का वज़न ही 3 टन का वज़न है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा जो लाइट वेट स्ट्रक्चर होता है वो कैसे 3-3.5 टन का वज़न कितने आराम से ले लेता है और कितनी सीमलेसली ले लेता है। इसी के साथ हम अगर हमारा यहाँ पे हमारा सारा आप अगर देखेंगे, हमने बाथरूम बना रखा है अपना, कि इसके अंदर ये हमारा वॉशरूम है। आप देख सकते हैं सारी पाइप वर्क कॉन्ड्यूटिंग वगैरह जाती है। नीचे हमारा यहाँ पे पॉट का सिस्टम बना हुआ है। हमने दीवारों पे डायरेक्ट टाइल्स लगा रखी हैं, जैसे आप देख सकते हो कितनी सीमलेसली ये टाइल्स भी चिपक जाती हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे हमारा ये वॉशरूम का फ्लोरिंग हो रखी है एंड इसके अंदर खंगर भरा हुआ है। तो सर, जो आपने अब टाइल्स लगाई हुई है, कंक्रीट की टाइल्स है? ये जो टाइल्स है हमारी बेसिकली सिरेमिक टाइल्स होती हैं, ये एक्चुअली इटालियन टाइल्स हैं जो कि इम्पोर्ट करी गई हैं। बट ये आप देख सकते हो कितने आराम से इसके ऊपर भी लग जाती है केमिकल के साथ। तो इसमें कोई कहने की ये बात है कि आप कैसी भी चाहे फिनिश आप पीवी में ले सकते हो, बिकॉज जनरली जब भी लोग पीवी समझते हैं वो समझते हैं कि फिनिश बहुत ही इन्फीरियर आने वाली है, बहुत ही बेकार आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कोई आपको नॉर्मल घर और इस घर में कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे अगर हमारी फ्लोरिंग देखेंगे, आप यहाँ पे बाथरूम एरिया देखेंगे, सारा का सारा नॉर्मल है। हमने वहाँ गीजर के पॉइंट्स, वहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम सब कुछ दे रखे हैं। आपको सारी चीज़ें बड़ी इजीली आप देख सकते हो। आप यहाँ पे हमारी रूफ भी देख सकते हो कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो भैया, जो आपकी टाइल्स होते हैं इनको पेस्ट कैसे किया जाता है प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज में? तो प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज में टाइल पेस्ट करना उतना ही आसान है जितना नॉर्मल घरों में। हम जनरली इसमें केमिकल एक आता है, केमिकल से हम पेस्ट करते हैं। अगर केमिकल से ना करना चाहे आप सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आते हैं, जिससे बड़ी इजीली हमारी ये टाइल्स वगैरह भी पेस्ट हो जाती हैं। तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो वो कर सकता है। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है कि हमें करना हो या कोई भी करना हो, ये बड़े आसानी से कोई भी आदमी कर सकता है इसको। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो हमारा कनेक्शन वगैरह होते हैं उसके हमारे अटैचमेंट्स हैं। ओके, तो ये सारी अटैचमेंट्स है आपकी जी? ये कैसे अटैच की जाती है, कहाँ पर लगते हैं अटैचमेंट? ये जैसे कि हम फाउंडेशन में अपनी यूज करते हैं, ये हमारे फास्टनर्स होते हैं जो हम फाउंडेशन में यूज करते हैं। ये हमारे रूफ में होते हैं पर्लिंस के लिए जो हम यूज करते हैं। और ये आप जैसे देख सकते हो ये हमारे वॉल्स में हमारे कॉर्नर्स लगते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड करता है कि हम कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर हमारी चीजें जाती हैं सारी। तो किस मटेरियल से बनता है, क्या चीज़ है? ये एक्चुअली जो हमारे फास्टनर्स हैं सारे कस्टम मेड हैं और ये मटेरियल भी जीआई होता है, बट ये हार्ड कोटेड जीआई है हमारा। तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है और जो नॉर्मल फास्टनर की स्ट्रेंथ होती है उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप ये देख सकते हो कि इसकी जो फोल्डिंग टेक्निक है ये ट्रिपल फोल्डेड है, ये कहीं भी आपको मार्केट में नहीं मिलता, यहाँ पे कहीं वेल्डिंग नहीं है, ये 3 लेयर की फोल्डिंग होके ये फास्टनर बना गया है। सो दिस इज एक्चुअली कस्टम बिल्ड फास्टनर कि जिससे हमें डबल से ट्रिपल स्ट्रेंथ मिलती है ग्राउंड पे। आप अगर नॉर्मल फास्टनर कहीं से भी लेंगे, होल्ड डाउन फास्टनर उसको कहते हैं, वो
सिंगल लेयर आता है या मैक्सिमम डबल लेयर, ये हमने कस्टमाइज ट्रिपल लेयर बनाया हुआ है टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू इट। तो काफी सारे लोग मेरे से कमेंट कर पूछते हैं कि पफ पैनल जो हाउस होता है उसको बनाने में कितना खर्चा आता है, कितनी कॉस्ट आती है एक पफ पैनल हाउस के अंदर, तो थोड़ा बताइए सर। तो हमारे जैसे घर होते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज है, बट हमारा जो बजटिंग रेंज शुरू हो जाता है वो लगभग 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट से शुरू होता है और इसका कोई अंत नहीं होता। ये 3000, 3500, 4000 रुपये पर स्क्वायर फुट भी जा सकता है। जैसे कि आप हमारे शोरूम में भी देख सकते हो कि कितनी कितनी वैरायटी की हमने चीज़ें डाल रखी है, वो हर बजट को सूट करने के लिए। जैसे हर आदमी आता है उसकी बजट रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है, तो हमारा जनरली 1500 के आसपास से शुरू हो जाता है, विच इज़ इंक्लूडिंग ऑल एमेनिटीज, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका प्लम्बिंग, आपकी जितना भी आपकी बोर्डिंग होती है, क्लैडिंग होगी, फाउंडेशन होगी, सब कुछ इंक्लूड करके लगभग उससे हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सपोज भैया 180 का एक घर है, कोई बनवाना चाहता है, उसको प्रीफैब के अंदर डेवलप कराना चाहता है, तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट उसकी आती है? तो जनरली जो अंडर 1000 स्क्वायर फीट घर होते हैं हमारे, जैसे 200, 250, 300, 400 स्क्वायर फुट के घर होते हैं, तो उन घरों में हमारी कॉस्ट जनरली पर स्क्वायर फुट ज़्यादा आती है, बिकॉज वॉल एरिया आपका फ्लोर एरिया से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो घर आपको जनरली 3 से 4 लाख रुपए की रेंज से शुरू हो जाते हैं, बट कुछ लोग जो लग्जूरियस बनाना चाहते हैं फिर उनका 10, 12, 15 भी चले जाता है, कुछ लोग जो कम लग्जूरियस बनाना चाहते हैं उनका 4 से 5 लाख की रेंज में बड़े आराम से बन जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल घर, इसमें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपको कहीं मोल्ड ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं, सीपेज की प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ भी आप कर लो, इसमें आपकी जो फिनिशिंग है वाइट वॉश फिनिशिंग वगैरह वो सब आपकी बिल्कुल सही रहती है। और इसमें जैसे हम कंपनी एंड से हम आपको वारंटीज़ और गारंटीज़ भी देते हैं, जैसे हमारे लोहे के अंदर 75 साल की वारंटी देते हैं, सब कुछ देते हैं कि इसमें रस्टिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको नॉर्मल घर में नहीं मिलती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एक बार ही बना दिया फिर अगले दिन वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा बिल्कुल वारंटी एंड जनरली मैंने देखा है जो यूएस में, कनाडा में जो घर होता है प्रीफैब हाउस होता है उसमें वो लोग स्मैश करते हैं, पंच मारते हैं तो पूरा का पूरा टूट जाता है, जो बोर्ड होती है। तो भैया जो हमारे बोर्ड्स वगैरह होते हैं ये हाई स्ट्रेंथ बोर्ड्स होते हैं, इनको फाइबर सीमेंट बोर्ड बोलते हैं, ये जनरली काफ़ी कंपनीज होती है जो इसको बनाती है, ये बोर्ड पंच मारने से तो कभी टूट नहीं सकते इनको, ये मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि ये पंचिंग एंड ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हमारी वारंटीज भी होती है इसके साथ, वो इसकी वारंटी पंच मार कर देखो, बिल्कुल मार के देखिए अगर आपका हार्ट अलाउ करे, देखते हैं वो टूटती है क्या नहीं टूटती। रेडी वन, हाथ में दर्द हो गया भैया, ये नहीं टूटी, लेकिन सिर्फ एक ही तरीके से टूट सकती है, अगर आप एक हथौड़ा लाए, एक हथौड़ा ला के किसी भी चीज़ को आप तोड़ सकते हैं, बट इसमें भी मुझे पता है कि हथौड़े से भी काम नहीं हो पाएगा आपका। तो ये चीज़ें तोड़नी बड़ी मुश्किल है, जैसे कि हम अगर मैं आपको एक्सटीरियर की फिनिश दिखाऊं इसमें, तो ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एक्सटीरियर में, इसको टेक्सचर पेंट कहते हैं, हार्ड टेक्सचर पेंट, आप देख सकते हैं ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होता है हमारा, ये करीबन 30 से 35 रुपए पर स्क्वायर फुट में शुरू हो जाता है फॉर एक्सटीरियर टेक्सचरिंग। फिर ये हमारा बेसिकली WPC पैनल्स होते हैं, ये बहुत हाई डिमांड में चलते हैं, WPC पैनल, वुड पॉलीमर कॉम्पोजिट, ये सबसे हाई डिमांड में चलते हैं और इसकी जो कॉस्टिंग शुरू होती है करीबन 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फुट से शुरू होती है और इसकी लाइफ लॉन्ग कलर की वारंटी होती है हमारी। एंड ये जो पैनल्स होते हैं जनरली एक्सटीरियर में यूज़ होते हैं, बट आजकल लोग इंटीरियर अपने बेडरूम वगैरह में भी यूज़ करने लग गए हैं। सिमिलरली हमारे दूसरे टाइप के WPC पैनल्स भी होते हैं, ये पैनल वे में आते हैं, ये आपके लगभग ये भी अराउंड 150 रुपीज़ to 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट में शुरू होते हैं और ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये लग जाते हैं, सिर्फ स्क्रू करना होता है इनको हमारी नॉर्मल प्रीफैब वॉल के ऊपर, तो इसमें बड़े ईजिली बन जाता है। या आप अगर कॉन्क्रीट या नॉर्मल वॉल में बनाना चाहें तो आपको बहुत टाइम लग जाता है लेवल ढूंढने में, हमारी सारी की सारी वॉल्स इतनी लेवल्ड आती हैं कि उसमें बड़ी सीमलेसली अटैच हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं आप खुद ही एक प्री फैब्रिकेटेड फ्लोर पे हो, ये वुडन फ्लोर है हमारा, ये हाई डेंसिटी वुड है जिसके ऊपर ये प्री फैब का हमने 25 इंच का हमने बाइसन बोर्ड डाला हुआ है जिसके ऊपर ये सारा लोड ले रहा है। तो ये जो वुडन फ्लोरिंग है हमारी, ये बिल्कुल सारी प्री फैब्रिकेटेड है। अगर कोई आदमी का बजट कम होता है, कुछ होता है
और उनको एक प्री फैब फ्लोर डालना है तो ये डाल सकते हैं। ये हमारा फ्लोर शुरू हो जाता है लगभग अबाउट 100 rupees अ स्क्वायर फीट से इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑन साइट। तो ये काफ़ी ड्यूरेबल चलता है कंपेयर टू कॉन्क्रीट, अगर आप देखेंगे तो वो लगभग आपको 400 to 500 rupees अ स्क्वायर फीट कॉस्ट करती है। तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी अगर आप प्री फैब एक फ्लोर ले। उसके अलावा ये क्या चीज़ है, टाइल्स है क्या? नहीं, ये एक्चुअली वॉलपेपर है। ये हमने वॉलपेपर इसलिए लगाया है जस्ट टू शो कि कितनी फ्लैटनेस आती है हमारे बोर्ड में, कि हमारा जब बोर्ड लगता है, हमारी LGSF की वॉल लगती है, उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली पीछे है क्या। और अगर वॉलपेपर ये नॉर्मल दीवार में लगता है, नॉर्मल दीवार में इतनी सीपेज होती है, इतनी मोल्ड ग्रोथ होती है, इतनी पापड़ी बन जाती है, वॉलपेपर फटने लगता है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल एक सीमलेस जॉइंट है, कहीं पर भी आपको ये ग्रोथ या कोई भी वो चीज़ दिखती नहीं है। इसके अलावा भैया हमारी ये बाथरूम की वॉल्स हैं कि जनरली लोग बाथरूम में हैवी वेट एरियाज जो होते हैं हमारे, जैसे ऑफिसेज वगैरह की बात होती है जिसमें दिन के एटलीस्ट 200-250 आदमी जाता है, उसमें हम ये प्रेफर करते हैं कि हमारी LGSF फ्रेम के साथ हम चनाई करके प्लस्तर कर दें। ये वॉल हम ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बाथरूम के एरियाज के लिए, बिकॉज वहाँ पे हमारा ज़्यादा हैवी यूटिलिटीज़ होती है, जैसे कि 10-10 यूरिनल एक साथ लगते हैं, 10 वॉश बेसिन एक साथ लगते हैं, तो उसकी कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम इसलिए ये वाली वॉल यूज़ करते हैं। इसकी आप अगर फिनिश्ड वॉल देखेंगे तो वो ऐसे बनती है हमारी, सारी टाइलिंग लगा के सारा एक्सटीरियर करके ये ऐसे फिनिश्ड वॉल लगती है, और इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपकी प्री फैब्रिकेटेड वॉल है या आपकी नॉर्मल वॉल है। इसको आप टच करके देखेंगे, फील करके देखेंगे, आपको कोई अंतर ही नहीं मिलेगा इसमें। ये सिमिलर हमारा सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग एंड वॉल फिनिश है, बेसिकली बाथरूम का एरिया हमने शो करा हुआ है। और यहाँ पे जितने भी आप टाइल्स और सब कुछ देख रहे हैं सारा इन हाउस है हमारा, ऐसा हमें कोई भी चीज़ इन हाउस है हमारे पास। काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स हैं जो ये सारी चीज़ें करती हैं, हमें आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। तो हमारा टाइल्स हो जाए, LGSF हो जाए, प्रीफैब हो जाए, सारा हमारा इन हाउस है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी छोटी सी वॉल है 4-8 की वॉल, ये पूरा कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे कि कैसे हमारी वॉल आती है ऑन साइट और ये कितनी जल्दी हमारी बन जाती है वॉल। हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं मिस्टर जाकिर अली, ये सारा हमारा सारा साइट पे कॉन्ट्रैक्ट, जितना लोहे का काम हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सारा एक साइट में कर लेते हैं। तो ये अभी आपके सामने ये पूरी वॉल बना के दिखाएंगे कितनी जल्दी हमारी बनती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहली फैक्ट्री से सारा आपका प्री पंच आता है, होल से होल मिलाने होते हैं, आपका होल से होल मिलाने होते हैं। ये बिल्कुल आइकिया की तरह होता है कि सारा डू इट योर सेल्फ काइंड में आराम से कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये बना लेते हैं, सिर्फ आपको होल से होल मैच करने हैं जो ये हमारी फैक्ट्री सेटिंग में आती है। आप अभी देखना अंडर में किसी भी तरह की स्किल या स्किल की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपने सिर्फ इसमें होल टू होल मैच करने होते हैं। ये इसमें ऑटोमेटिक सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू डाला जा रहा है, इससे ही हमारी वॉल तैयार हो गई है। वॉल तैयार कर रहे हैं, ये 4-8 की छोटी सी वॉल है, डेमो के लिए हमने बनाई है टू शो करने के लिए कितनी जल्दी हमारी एक 4-8 की सीधी दीवार बन जाती है। इसमें सारे होल्स ही मैच करने हैं, सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज हैं सारे हमारे, एंड इसमें आपको पूरा सिस्टम आपका, ये सिर्फ आपको मेल और फीमेल जॉइंट मिलाना होता है, होल से होल मिलाने हैं और आपके सारा ये सिस्टम बैठ जाता है। देख सकते हो सिर्फ आपको स्क्रू करना है, होल से होल मिलाने हैं, इसको कोई भी आदमी विद इन आई थिंक सो अ मिनट 4-8 की दीवार आपकी बन गई, 2 मिनट भी आप ले लें कि आपकी दीवार पूरी तैयार हो जाती है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन जो टाइम है इतना रिड्यूस होता है, बट टाइम भी आप छोड़े इसको बनाना एक सीधी दीवार आपकी बन के निकलती है। मजबूती की बात करें तो कितनी मजबूती होती है, यही दीवार हमारी यहाँ लगी हुई है, तो आप देख सकते हो ये कितनी हमारी मजबूत होती है। हमारा इसमें सिंगल साइड बोर्डिंग है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, मजबूती तो इसकी पूरी है। हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड को फॉलो करते हैं जिससे हमारे विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, हैवी ड्यूटी लोड, सारे लोड्स को हम काउंटर करते हैं। अभी दोनों साइड इन्होंने पेच लगाए हैं, एक वन साइड लगाए, दूसरी साइड लगाए, और ये
आप देख सकते हैं विद इन टू मिनट दोनों तरफ लगता है, दोनों तरफ हम पेच लगाते हैं बिकॉज हमें होल्ड चाहिए पूरी वॉल पे, और इसके ऊपर आप कैसी भी चाहे फिनिश डाल सकते हो, आप बोर्ड डाल सकते हो जैसे हमने दिखाया, और ये आपकी दीवार पूरी तैयार है। सो विद इन वन डे आप तकरीबन 1000 फुट की दीवार खुद ही खड़ी कर सकते हो बिना एक्सपीरियंस के भी। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि हर चीज़ आपको लेवल्ड मिलती है, सीधी मिलती है। इसमें एक्यूरेसी 0.005 mm तक की है, जो आप नॉर्मल जैसे हमारी ईंट की दीवारें होती हैं इनमें आप देख सकते हो कि आपका कहीं पर भी लेवल नहीं मिल पाता, आपको इसमें पूरा प्लस्तर कराना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है, ईंटों में प्रॉब्लम आती है, पूरा दिन मिस्त्री लगाएगा तब जाके वो इसकी आधी दीवार बना पाता है। बट इन आर केस आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से एक आदमी हमारी वॉल बना सकता है। ये दीवार और उस दीवार में जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, दीवार का स्ट्रक्चर बन गया, और ये नॉर्मल दीवार से कई कई गुना ज़्यादा सस्ती पड़ती है आपको। ये दीवार आपको तकरीबन 60 रुपये पर स्क्वायर फुट पड़ती है, कंपेयर टू नॉर्मल दीवार आप लेबर कॉस्ट, स्कैफोल्डिंग कॉस्ट, ईट कॉस्ट, बदरपुर कॉस्ट, सीमेंट कॉस्ट मिलाएंगे तो वो करीबन आपको 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फुट पड़ती है। ये हमारी स्टार्ट हो जाती है अराउंड 60 के। इसमें आपको बोर्ड लगा के 2 आवर्स की फायर रेटिंग मिलती है, 59 dB का डेसिबल लेवल डाउन मिलता है, प्लस एट द सेम टाइम आपको 7 डिग्री का हीट ड्रॉप मिलता है। जो आप ये जो टेक्नोलॉजी है एक्चुअली कैनेडियन टेक्नोलॉजी है, तो उसमें आपको पता ही कनाडा में कितने आपके ठंड पड़ती है, चीज़ होती है, तो ये टेक्नोलॉजी बनी है हीट को ट्रैप करने के लिए, ताकि अंदर बाहर से गर्मी अंदर ना आए और अंदर की ठंडाक बाहर ना जाए। तो ये हमारे ऊपर रूफ के थोड़े ऑप्शंस हैं, जैसे हम ऊपर शिंगल्स लगा सकते हैं रूफ की फिनिशिंग के लिए, आजकल ये ज़्यादातर काफ़ी घरों में चलते हैं स्पेशली इन हिल्स। देख सकते हो ये हमारा वेयर हाउस है जहाँ पे हमारे जो डिस्पैचेस होते हैं वो रखे जाते हैं। आप ये देख सकते हो ये अबाउट 75 वॉल्स हैं जो यहाँ पड़ी हुई हैं, ये सारा एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। और आप देख सकते हो कि 75 दीवारें कितनी जगह लेती है, कि आप अगर ईंटों की बात कर रहे होते इतनी दीवारों की 20x20, 20x40 की दीवारें बना रहे होते तो आपको कितनी ईंटें रखनी होती। ये सारी दीवारें आप देख सकते हो नंबर्ड है, वॉल नंबर्स 13, 20, 25, 15, anything, और ये सारी साइट पर जाके खुलती हैं एंड वेरी इजिली इट कैन बी असेंबल्ड। ये 70 दीवारें करीबन ये अबाउट 75 वॉल्स है हमारी, ये आपकी तकरीबन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन में तैयार हो जाएंगी ऑन साइट। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है प्रीफैब हाउस बनवाने के लिए या बिजनेस करने के लिए, आपके शोरूम विजिट करने के लिए, तो अपना शोरूम का एड्रेस और मोबाइल नंबर बताना चाहेंगे। जी तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 7303-24873, यही जो हमारा नंबर है 7303-24873, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी है, तो आप इस पर कभी भी मैसेज कर लीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल दीजिए। और आपको हमारा जो शोरूम लोकेशन है वो सुल्तानपुर है, 127C न्यू मंगलापुरी, यहाँ पे हमारा शोरूम है। बट आने से पहले आप हमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर देंगे तो हम आपको एग्जैक्ट गूगल लोकेशन भी भेज देंगे, जिससे आपको आने की बड़े इजिबिलिटी रहती है। तो हमारा ये साउथ दिल्ली में बेस्ड है शोरूम, ये हमारा एक एक्सपीरियंस सेंटर है जो पूरी दिल्ली में आई थिंक सो ओनली एक्सपीरियंस सेंटर है एक प्रीफैब कंस्ट्रक्शन के लिए।